आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मेरी तरह, और स्वागत करता हूँ आप सभी चाहने वाले दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल कोबरा राइडर पर। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको दो गार्डन्स की सैर कराने वाला हूँ, जो दोनों गार्डन्स के नाम है, पहला सरसबाग और दूसरा ओशो गार्डन। लोग यहाँ मेडिटेशन और अपने आप को शांत महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। बाकी का मैं आपको वीडियो के दौरान बताते हुए चलूंगा, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक, आपके सामने है सरसबाग। ये जो सरसबाग है, इस बाग का नाम सरसबाग इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे पहले लेक था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, और यहाँ पे जो है दूसरे देशों से सारस नाम की चिड़िया आया करती थी, जो अब नहीं आती है, तो उसी के नाम पे यहाँ इसका नाम सरसबाग रखा है। फ्रेंड्स, जो पहाड़ ठीक आपके सामने दिख रहा है उसे पार्वती हिल्स नाम से जाना जाता है, और ये जो बाग है ये ठीक इसके फुट स्टेप्स पे लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये जो सरसबाग है 25 एकड़ में बना हुआ है, यानी कि आप इसे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि यह बाग 10 हेक्टेयर में है। तो फ्रेंड्स, ठीक आपके सामने है गणपति मंदिर, जो नाना जी पेशवा साहब ने यहाँ बनवाया था इस लेक के बीचों बीच, जो कि मराठा साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। 1750 में इसका कार्य शुरू किया गया था और ये 1784 में जाके समाप्त हुआ था। यहाँ पे जो है नाना साहब अपने सैनिकों के साथ बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। फ्रेंड्स, अभी हम गणेश म्यूजियम में आ चुके हैं, जो इसी मंदिर में है, दूसरी तरफ स्थित है। यहाँ 5 रुपये टिकट लगते हैं एक व्यक्ति के। अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं हैं गणेश जी की। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि यहाँ जो है कोई टिकट्स नहीं है, सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम के 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है ओशो गार्डन के अंदर आ चुका हूँ। फ्री में इस गार्डन का जो है आप लुत्फ उठा सकते हैं, मजे ले सकते हैं, इसके नज़रिया और सीनरी और व्यूज देख सकते हैं। यही है वो ओशो जी जिनके नाम पर ये गार्डन बनाया गया है, ओशो गार्डन। इसे एक नाम और दिया गया हुआ है गार्डन का, ओशो तीर्थ पार्क। ओशो जी का जो है जन्म वो 11 जनवरी 1931 कचड़वाड़ा, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 19 दिसंबर 1990 में हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इस ओशो बाग में मेरे चैनल का भी एक प्रतिमा है कि बीचों बीच कोबरा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा इस वीडियो के जरिए क्या यहाँ शांत वातावरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना मुझे सहयोग दें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।